एसपी सांसद आजम खान को आखिरकार रामपुर से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि शिफ्ट करने की वजह सुरक्षा कारण बताए जा रहे हैं, जहां पर आजम खान अब अपने पूरे परिवार के साथ सीतापुर की जेल में शिफ्ट हो गए हैं, जहां उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी उनके साथ मौजूद है। तो बता दें कि फर्जी प्रमाण पत्र मामले में उन्हें जेल भेजा गया है। रामपुर के डीजी 6 कोर्ट ने कल उन्हें कोर्ट से यहां पर आदेश दिया, जेल भेजा गया और 2 मार्च तक उन्हें जेल भेजा गया है, क्योंकि 2 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। रामपुर से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया, क्या सरकार का निर्णय है? पत्नी और बेटे को कहा परिवार। तो ये वो बयान आजम खान का जब सीतापुर जेल की ओर वो अंदर की तरफ दाखिल हो रहे थे, तो उसी दौरान मौका उनको मिल गया, क्योंकि पहले रामपुर से जब निकले थे मौका नहीं मिल पाया था अपनी बात को रखने का। और इस बीच जब मौका मिला तो उन्होंने बताया कि पूरा देश जानता है कि आखिरकार ये क्यों हुआ है, और उन्होंने कहा कि सरकार का निर्णय है और इस पर हम अब क्या कर सकते हैं। तो आज तड़के ही रामपुर से सीतापुर जेल में आजम खान और उनके परिवार को, यानी कि उनकी पत्नी और बेटे को सीतापुर की जेल में शिफ्ट किया गया है। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब रामपुर जेल से वो निकले थे, तुरंत ही वहां पर दरवाजा खोला क्योंकि मीडिया के कुछ लोग उन्हें नजर आए और कुछ बात कहने की कोशिश की यहां पर कि आखिरकार उनके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इस कदर बढ़ी कि वो कुछ कह नहीं पाए। वहीं दूसरी तस्वीर जब सीतापुर जेल वो पहुंचे शिफ्ट करने को लेकर, उन्हें वहां पर लाया गया और इसी दौरान मौका जब मिला तो बतलाया कि सरकार ने निर्णय लिया है और कुछ नहीं कर सकते और पूरा देश जानता है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो कई मामले और इन मामलों को लेकर लगातार कोर्ट आदेश दे रही थी कि वो कोर्ट के समक्ष पेश हों, लेकिन नहीं पेश हुए और अंत कल वो अपनी पत्नी बेटे के साथ कोर्ट पहुंचे और सरेंडर किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया गया। और अब इस मामले में 2 मार्च को अगली सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच रामपुर के एसपी, जिन्होंने कोर्ट से अपील की कि रामपुर की जेल में आजम खान और उनके परिवार को ना रखा जाए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्थाओं का उन्होंने वहां पर हवाला दिया और इसी के चलते आज तड़के सुबह उन्हें सीतापुर जेल में शिफ्ट कराने के लिए ले जाया गया। और अब उन्हें, आपको बता दें कि सीतापुर जेल में शिफ्ट करा लिया गया है। तो सरकार को लेकर ये बयान आजम खान का, और कहा है कि ये कहीं ना कहीं सरकार का ही किया कराया है, जिसके चलते उन्हें आज अपने परिवार के साथ जेल जाना पड़ा। निर्णय है सरकार का और उसको लेकर हम आगे क्या कह सकते हैं। लगातार मुश्किलों में आजम खान और योगी सरकार ने कई मामलों को लेकर उन पर एफआईआर दाखिल की और एक एक करके ये मामले लगातार सामने आते रहे, जिसमें भूमि अधिग्रहण का मामला था, चोरी का मामला सामने आया, रिश्वतखोरी का मामला सामने आया और साथ ही उनके बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का, और इसी के बाद अब जेल की सलाखों के पीछे है आजम खान का परिवार।